कमलेश तिवारी की हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक कमलेश तिवारी पर 15 बार चाकुओं से हमला किया गया था और एक गोली भी मारी गई थी। खास बात यह है कि चाकुओं के सभी 15 वार जो है वो जबड़े से लेकर छाती के बीच में ही किए गए हैं। 10 सेंटीमीटर के भीतर ये सारे वार जो है वो किए गए हैं। कमलेश तिवारी के सीने और जबड़े पर चाकुओं से वार किया गया और फिर उनका गला रेता गया। इसके बाद चेहरे पर एक गोली भी मारी गई। सिर के पीछे के हिस्से में 32 बोर की गोली जो है वो फंसी हुई मिली, यानी कि कमलेश तिवारी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, जिसका जिक्र पहले किया गया था पुलिस द्वारा कि रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो वो दर्ज करेगी मामला। और रिपोर्ट में अब सामने जो आया है कि बड़ी ही बेरहमी से कमलेश तिवारी की हत्या की गई है। किस तरह से 15 बार चाकुओं से वार पहले किया गया, जो सीने से लेकर जबड़े के बीच में 10 सेंटीमीटर के भीतर ही ये कह सकते हैं कि वार 15 बार किया गया है। उसके बाद गला रेता गया, गोली भी मारी गई। सर के पीछे के हिस्से में बताया जा रही है कि 32 बोर की एक गोली मिली है। तो पूरी तरह से एक कह सकते हैं कोशिश ये की गई थी कि किसी भी तरह से बच ना पाए कमलेश तिवारी, लेकिन बेरहमी से कत्ल किया गया है कमलेश तिवारी का। हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद गुजरात एटीएस को इस तरीके की ये सफलता मिली है, जिसमें दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गुजरात एटीएस ने ही 3 साजिशकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कमलेश तिवारी की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें साफ तौर पर ये समझ में आता है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो हत्यारे हैं, हत्यारों ने कमलेश तिवारी पर चाकुओं से 15 जगह पर वार किए थे, जिसमें गर्दन में 12 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो बाएं तरफ, सीने के बाएं तरफ जो हत्यारे हैं उन्होंने 7 वार किए, तो अपने आप में ये समझा जा सकता है कि 2015 के भड़काऊ बयान के बाद कमलेश तिवारी की हत्या को लेकर के जो आरोपी हैं उनके अंदर कितना आक्रोश था। ये वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर ये दर्शाया गया है कि हत्यारोपियों ने किस तरीके से वार किया था कमलेश तिवारी पर, और साफ तौर पर ये अब ये दर्शाता है कि कमलेश तिवारी की हत्या को लेकर के जो ये आरोपी हैं इनके अंदर अच्छा खासा आक्रोश था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि घटना के 4 दिन बाद गुजरात एटीएस को इस तरीके की सफलता मिली है। हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरीके से अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर उन्होंने पुलिस के प्रमुखों से बात की और इस पूरी घटना को खुलासे के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। राजेश सोनी, R90V, लखनऊ।